नमस्कार। अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सप्ताह की पुस्तक के रूप में आज हम श्रीमती शारदा लाल की पुस्तक उमंगों का मेला की बात करेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक का प्रकाशन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की प्रकाशन अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया। यह पुस्तक नमन प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित है, जिसका मूल्य केवल 99 रुपये है। इसमें 12 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 11 छोटी छोटी कहानियां सम्मिलित की गई हैं। इन कहानियों को रचने का उद्देश्य यही है कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर बच्चों को एक सही दिशा मिल सके, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जिसमें बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। पारिवारिक और अपने आसपास के वातावरण से वह प्रभावित होता है। ऐसे में वह गलत सही का निर्णय लेने में सक्षम हो सके, ऐसी ही सोच को विकसित करने के निहितार्थ शारदा लाल जी ने ये कहानियां रची हैं। शारदा लाल जी ने आकाशवाणी लखनऊ में लंबे अरसे तक कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य किया है और लखनऊ की साहित्यिक संस्था अभिव्यक्ति से जुड़कर साहित्य सेवा में संलग्न है। इस संग्रह से पूर्व आपकी जो प्रकाशित कृतियां हैं उनमें तुम्हारा नाम क्या है, छूने दो आकाश, अशेष संवाद आपके कहानी संग्रह हैं। आपकी लखनऊ के मशहूर शायर के जीवन पर आधारित कृति कृष्ण बिहारी नूर का नूर अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। आपके साहित्यिक अवदान हेतु वाग्देवी साहित्यश्री सम्मान 2017 अभिव्यक्ति संस्था द्वारा, साहित्य गंधा संस्था द्वारा कथा लेखिका सम्मान, वुमेन एम्पावरमेंट 2016 साहित्य संघ वाराणसी द्वारा सेवक साहित्यश्री सम्मान सहित कई सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हैं। इस कृति की भूमिका में, संक्षिप्त भूमिका में आपने लिखा है कि यह कहानियां हमारे आपके जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं के बीच से होकर गुजरती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नीति और नियम से जुड़ी इन कहानियों को आप सब ध्यान से पढ़ें और इसमें छिपे संदेशों को अपने आचरण में उतारें। कभी कभी चाह कर भी हम वह सब नहीं कर पाते हैं जो करना चाहते हैं। जैसे आजकल कोरोना महामारी की चुनौती हमारे सामने है, इससे निबटने के लिए हर एक को जागरूक होने की जरूरत है। हमें सजग रहना है, असावधानी वश हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमारी सतर्कता में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हम सब विवेक और वर्तमान तकनीकी ज्ञान से परिस्थिति का आकलन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सफलता जरूर मिलेगी, बस जरूरत है तो इस बात की कि आपके मन में कुछ करने की चाह हो, एक उमंग हो, तभी हम काम को सही दिशा में ले जा पाएंगे। बाल्यावस्था से निकलकर बच्चों की उम्र जब आगे बढ़ती है तो उनके शरीर के साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास होता है। मस्तिष्क के विचारों को सही दिशा मिले उसके लिए पारिवारिक वातावरण के साथ साथ आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि उमंगों का मेला कृति की अधिकांश कहानियां हमारे आपके जीवन और उससे जुड़ी हुई समस्याओं को रेखांकित करती हैं। लेखिका ने इन कहानियों में न केवल समस्याओं को रेखांकित किया है बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस संग्रह की कहानी निर्णय के माध्यम से लेखिका ने एक अच्छे राजा अथवा प्रशासक के कर्तव्य को प्रस्तुत किया है। लेखिका के अनुसार अच्छा प्रशासक अथवा राजा वही हो सकता है जो इस मर्म को समझ ले कि कब और कितना बोलना चाहिए, नहीं तो चुप रहना चाहिए, और कब केवल सुनना ही हितकर होता है। नेकी के पथ पर कहानी के द्वारा ईमानदारी व लगन से काम करने की सीख मिलती है। इसी प्रकार संग्रह की कहानियां दोस्ती, आत्मविश्वास, रोटी का मोल, सच्ची खुशी, श्राप, बोझ इत्यादि भी अत्यंत रोचक व शिक्षाप्रद कहानियां हैं।
मैं इस संग्रह की एक कहानी अनोखा प्रयोग का वाचन करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। सेठ कामतानाथ शहर के जाने माने उद्योगपति थे। व्यापार खूब फल फूल रहा था, पर अचानक आए संकट ने सेठ कामतानाथ को समस्या में डाल दिया। एक दिन उनके मुनीम ने आकर उनसे विनम्र निवेदन किया, महोदय, मेरे माता पिता बहुत वृद्ध हो गए हैं। वे गांव में अकेले रहते हैं। अब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, परंतु शारीरिक अक्षमता के कारण अब वे अकेले नहीं रह पा रहे हैं। मैं अब उनकी सेवा करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे मुक्त करें तो उचित होगा। सेठ जी चिंता में पड़ गए। उनका मन कहने लगा कि ऐसा विनम्र, व्यवहार कुशल, न्यायप्रिय मुनीम का विकल्प मैं कहाँ से लाऊंगा? यह काम बड़ा कठिन है। एक दिन बीता, दो दिन बीते, करते करते एक सप्ताह बीत गया। सेठ जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उधर मुनीम जी की चिंता उन्हें परेशान किए थी, परंतु खामोश रहने के अतिरिक्त मुनीम के पास दूसरा रास्ता न था। कई दिन यूं ही और बीत गए। एक दिन सवेरे सवेरे मुनीम जी के घर की सांकल खटकी। मुनीम परेशान हो उठे, इतनी सुबह कौन हो सकता है? सहमते हुए मुनीम ने दरवाजा खोला। सामने सेठ जी को देखकर वे सकपका गए। बोले, महोदय, आप इतने भोर में कोई आवश्यक कार्य, मुझे बुलवा लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? रास्ते से हटते हुए मुनीम ने कहा, आइए आइए, भीतर आइए, आसन ग्रहण कीजिए। सेठ कामतानाथ बहुत गंभीर मुद्रा में बोले, मुनीम जी, मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हूँ। जब से आपने अपनी समस्या हमारे सामने रखी है, तब से मैं चिंता में पड़ गया हूँ। आप जैसा विश्वसनीय, ईमानदार मुनीम मैं कहाँ से लाऊं? मैंने यह तो कभी सोचा ही ना था कि आप कभी मुझसे अलग भी हो सकते हैं। सब कुछ सौंप कर मैं निश्चिंत था। मुझे नहीं लगता कि नए मुनीम के चुनाव जैसा कठिन काम मैं कर पाऊंगा। कृपया आप ही मेरी मदद करिए। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सेठ कामतानाथ उठे, मुड़े और दरवाजे के बाहर आ गए। आवाक मुनीम सेठ को जाता हुआ तब तक देखते रहे जब तक वह सेठ जी आंख से ओझल नहीं हो गए। मुनीम जी धप से तख्त पर बैठ गए। उनकी तंद्रा तब टूटी जब उनकी पत्नी ने उन्हें पुकारा, अरे क्या हुआ आपको? सेठ जी बिना जलपान के क्यों चले गए? दिन सरकते जा रहे थे। मुनीम की समस्या का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था। वे भरसक प्रयास में जुटे रहते, पर कोई रास्ता उन्हें सुझाई नहीं दे रहा था। दिन एक एक कर सरकते जा रहे थे। उधर मुनीम की चिंता का कद बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आशा का एक सिरा मुनीम के हाथ आ गया। वह मुनीम सेठ जी के पास पहुंचे और बोले, महोदय, आप मेरा प्रस्ताव सुने और फिर अपने फैसले से मुझे अवगत कराएं। मैं चाहता हूं कि नए मुनीम के चुनाव की घोषणा की जाए, अमुक तिथि और स्थान तय किया जाए और आवेदन के लिए अखबार द्वारा सूचना दे दी जाए। आवेदन पत्र आने पर उनको साक्षात्कार के लिए चुना जाए। इस सारी प्रक्रिया की व्यवस्था मैं ही करूंगा। इतना सुनते सेठ जी आश्वस्त हुए और स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। लगभग 10 दिन के बाद सेठ जी की हवेली में हलचल बढ़ने लगी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, अरे भाई, क्या होने वाला है? यह रौनक कैसी है? निश्चित तिथि और समय पर 12 प्रत्याशी उपस्थित हुए। सबको मालूम हो गया कि अपने मुनीम जी अब आगे काम नहीं करेंगे, अतः नए मुनीम के चुनाव की यह हलचल है। एक कक्ष में प्रत्याशी बैठाए गए। दो आंगन पार करके मुनीम जी और सेठ जी एक कक्ष में बैठे, जहां प्रत्याशी साक्षात्कार के लिए आएंगे। साक्षात्कार के लिए पहले प्रत्याशी को बुलाया गया। पहले सेठ जी ने पूछा, रमेश जी, आप यह नौकरी क्यों करना चाहते हैं? पढ़ाई कितनी की है? वेतन क्या लेंगे? सामने बैठा प्रत्याशी धैर्य से सेठ जी के सवालों के जवाब देता रहा। अब मुनीम जी के प्रश्न पूछने की बारी थी। मुनीम जी ने प्रत्याशी से पूछा, आपको कष्ट तो नहीं हुआ यहाँ तक आने में?
प्रत्याशी ने कुछ शिकायती लहजे में उत्तर दिया। अगर आपको यहाँ इस कक्ष में साक्षात्कार लेना था तो हम लोगों को इतनी दूर क्यों बिठाया? मैं दो आंगन पार करके यहाँ तक आया हूँ, ऐसा क्यों? हर प्रत्याशी से मुनीम का एक ही प्रश्न था, यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगले ने कहा, रास्ते में एक बीमार बछड़ा लेटा था, कम से कम उसे तो हटवा देते। एक ने कहा, जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ कम से कम पीने का पानी ही रखवा देते, लोग दूर दूर से आए थे, पानी पीने के लिए परेशान थे। होते करते 12वें प्रत्याशी का नंबर आया। सेठ जी, मुनीम जी 12वें प्रत्याशी की प्रतीक्षा करते रहे, वह आ ही नहीं रहा था। प्रतीक्षा लंबी होती जा रही थी। क्रुद्ध होकर सेठ जी ने कहा, अरे अंतिम प्रत्याशी नहीं आ रहा है तो ना सही, छोड़िए मुनीम जी इसको, इतने लोगों में से ही आपको चुनाव करना होगा। क्षमा मांगते हुए मुनीम जी ने कहा, महोदय जहां हम इतनी देर बैठे हैं थोड़ी देर और सही, संभवतः वह आता ही हो, हमें उसकी थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। मुनीम जी की बात सुनकर सेठ जी चुप लगा गए। कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे आने में विलंब हुआ, मुझे खेद है, एक मीठी सी आवाज सेठ जी और मुनीम जी के कानों में पड़ी। सामने एक युवक विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़ा था। स्वयं को शांत करते हुए सेठ जी ने कहा, आओ बैठो, तुमने कहाँ तक शिक्षा पाई है? महोदय बनारस विश्वविद्यालय से मैं स्नातक हूँ, एक कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर 2 वर्ष तक कार्य किया है, यहाँ मेरे वृद्ध माता पिता हैं इस शहर में, इसलिए मैंने यहाँ आवेदन किया, आपकी कृपा हुई तो। वाक्य अधूरा छोड़कर युवक चुप हो गया। अब बारी थी मुनीम जी के प्रश्न करने की, तुम्हें यहाँ मेरे कक्ष तक आने में इतनी देर क्यों लगी? महोदय मुझे आने में देर हुई इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, रास्ते में एक बछड़ा पड़ा था जो घायल था, मक्खियाँ उसे परेशान कर रही थी, उसे पानी पिलाने और उसे धूप से छांव तक पहुँचाने में मुझे देरी हो गई। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद बछड़े को अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करूँगा। युवक के उत्तर से मुनीम जी के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मुनीम जी ने कहा, बस और कुछ नहीं पूछना है, तुम जा सकते हो। लौटते हुए युवक के कदमों को मुनीम जी लगातार देखे जा रहे थे। मुनीम जी की आंखों में क्या है यह पढ़ने की कोशिश सेठ जी कर रहे थे। एकाएक मुनीम जी जोर से बोले, मिल गया सेठ जी, नया मुनीम मिल गया, मुझे खुशी है कि मेरा प्रयोग सफल रहा। युवक की उदारता, सेवा भाव, पशु प्रेम देखकर खुश भी बहुत हुए। अब मुनीम जी की यह अनोखी युक्ति देखकर कामतानाथ जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी अनोखा प्रयोग आपको कैसी लगी? आशा है कि आपको पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रियाओं की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराएं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक के विषय में बात करने के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।